अगर दुनिया के सियासी नक्शे पर नज़र दौड़ाएँ तो मुख्तलिफ अदवार में दुनिया के नुमाया सियासी ख़ानदान और सियासी शख्सियात अंधे कत्ल की साजिशों का शिकार हुई, और अगर गौर से देखें तो पूरी दुनिया की सियासी तारीख एक्शन से भरपूर फिल्म और सियासी कत्लों से भरी एक पूरी किताब दिखाई देती है। वाज़े रहे कि हिंदुस्तान की तारीख का पहला सियासी कत्ल 30 जनवरी 1948 में हुआ, जो महात्मा गांधी बरला भवन में प्रार्थना सभा यानी इज्तमाई इबादत में हिस्सा लेने जा रहे थे, तो इन पर नाथोराम गोडसे नामी शख्स ने गोलियां चला दी। पाकिस्तान में सियासी कत्ल जो कि अब तक गैर हल शुदा हैं, इनकी तारीख वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान से शुरू होती है, जब इन्हें 16 अक्टूबर 1951 को कंपनी पाक रावलपिंडी में भरे जलसे में गोली मार दी गई। एक पुलिस अफसर ने मौके पर इनके मुबैना कातिल सैयद अकबर खान को गोली मारकर हलाक कर दिया। गोया लियाकत अली खान के कत्ल केस को ही गोली मार दी गई। 22 नवंबर 1963 को सदर जॉन एफ कैनेडी को सर्द जंग के इंतहाई नाजुक जमाने में रियासत टेक्सास के इलाके डैलस में उस वक्त कत्ल कर दिया गया, जब अपनी अहलिया जैकी कैनेडी और नायब सदर बी जॉनसन के साथ कारवां में शहर से गुजर रहे थे। इस कत्ल को आम तौर पर रूस और क्यूबा की एक ऐसी साजिश तसव्वुर किया जाता है, जिसमें अमरीका के खुफिया इदारे CIA और FBI भी शामिल थे। दूसरी अमरीकी असैसिनेशन 1968 में हुई, जब इंसानों के लिए आज़ादी मसावात और इंसाफ का ख्वाब देखने वाले पहले सियाफाम अमरीकी मार्टिन लूथर किंग को कत्ल कर दिया गया। सऊदी अरब के शाही ख़ानदान की तारीख का पहला कत्ल सऊदी फरमारवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ का हुआ, जब 25 मार्च 1975 को शाह फैसल के सुतेले भाई के बेटे फैसल बिन मसूद ने भरी मजलिस में उम्मत मुस्लिमा को मुतहद देखने वाले सऊदी फरमारवा शाह फैसल को गोली मारकर अपनी नींद सुला दिया। फैसल बिन मसूद ने अमेरिका से वापसी के फौरन बाद इन्हें शहीद किया। वाज़े रहे कि शाह फैसल 1974 से 1975 तक बादशाह रहे। वे एक नडर बहादुर और जुरतमंद इंसान थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पैन इस्लामिज़म के लिए कुर्बान कर दी। इनकी पॉलिसियों से पैन इस्लामिज़म की छलक नज़र आती है। इनका ख्वाब था कि मुस्लिम ममालिक की सरहदें ख़त्म कर दी जाएं और पूरी उम्मत मुस्लिमा मुतहद हो और एक ही मंशूर यानी दीन इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो, और अमरीका ज़ायनिज़्म और सोशलिज़म के सख्त खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने उन मुस्लिम मुखालिफ कुवतों के मुद्दे मुकाबल एक मुस्लिम ब्लॉक बनाने की पुरजोर हमायत की। इसका वाज़ेह सबूत 1974 में लाहौर में होने वाली दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इजलास में शाह फैसल की खसूसी दिलचस्पी थी। वो अरब में नेशनलिज्म को ख़त्म करना चाहते थे, जबकि शाह फैसल के पेशरो खालिद किसी भी सूरत इकतदार से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं थे। इस दौर में सऊदी अशराफिया दो धड़ों में तकसीम थी। एक धड़ा शाह खालिद की क्यादत में तेल के सारे ठेके मगरबी कंपनियों को देने का हामी था, और इन ठेकों से हासिल होने वाली माली मावनत को आलिशान मंसूबों और हकूमती दफातर की आलिशान तामीरात में सर्फ किया जा रहा था। मुल्क की दिफाई और फलाही निज़ाम की जानिब तवज्जो ना होने के बराबर थी, जबकि शाह फैसल की क्यादत में एक दूसरा धड़ा तेल के तमाम ठेकों को मगरबी बिलखसूस अमरीकी कंपनियों को देने की मुखालफत कर रहा था, और तेल की दौलत से हासिल होने वाली आमदनी को दिफा और अवामी बहबूद के मंसूबों पर लगाने का हामी था। शाह फैसल के इन इकदामात को खुद सऊदी अशराफिया के साथ साथ मगरब में भी शदीद नापसंदीदगी के अमल से देखा गया। इसका सबसे बड़ा सबूत 1975 में अमेरिका की जानिब से शाह फैसल पर तेल को सस्ता करने का दबाव था, जिसको शाह फैसल ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। शाह फैसल के इन जुर्मंदाना कारनामों की वजह से गैर मुस्लिम ताकतें इनके खिलाफ साजिशें करने लगीं, जिनमें इसराइल सर फहरिस्त था। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब 1973 में अरब इसराइल जंग के दौरान शाह फैसल ने यूरोपियन ममालिक की इसराइल की पेचा हमायत और जंगी इमदाद करने के खिलाफ आलमी मार्केट को तेल बंद कर दिया, चुनाचा इनके इस इकदाम की वजह से 1973 में आलमी मंडी में तेल का बहरान
पैदा हो गया और पादसा 1974 में आलमी मीडिया जिनमें टाइम मैगजीन सर फहरिस्त था इन्हें मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। एक अरब चैनल को इंटरव्यू देते हुए इनका कहना था कि यहूदी इस्लाम और ईसाइत को कमज़ोर करने के लिए सलीबी जंगों का आगाज कर चुके हैं। उन्होंने यहूदियों के प्रोटोकॉल्स को पहली मर्तबा मंजरियाम पर लाकर इस बात को वाजे कर दिया कि यहूदी पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए बहुत सी नई साजिशें और खौफनाक मंसूबा बंदी कर रहे हैं। अरब ममालिक इनकी शहादत की बुनियादी वजह मगरबी ममालिक को तेल बंद करना और यहूदियों की खूनी साजिशों का आश्कार करना समझते हैं और अगर इनकी शहादत को पूरी इस्लामी दुनिया के मारूस के साथ वापस्ता करके देखा जाए तो मालूम होगा कि जुल्फकार अली भुट्टो अनवर सादात को शहीद करके और मुअम्मर कजाफी और यासिर अराफात को तन्हा करके मगरिब ने इस्लामी ब्लॉक पर अपनी नापसंदीदगी का सबूत दे दिया।